एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूनिस क्रिएशंस। तो कैसी रही आप सबकी होली कमेंट में जरूर बताना, मेरी तो बहुत अच्छी रही। तो बड़े मियां और छोटे मियां का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो चलो देखते हैं कि कैसा है। हमारा एक एजेंट था जवान भूटान रोग, वो लश्कर और इस्लामिक जिहाद के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा था। आज तक का सबसे खतरनाक हथियार जिसके बारे में कोई नहीं जानता, सेल्फ़ोन्स, पावर ग्रिड, बैंक्स, गवर्नमेंट, मिलिट्री। कराची के कंट्रोल रूम से टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शन देने वाला ज़बीन बिन अंसारी, मेरे हिसाब से कहानी कुछ यूं है। इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर मिलकर एक ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान में हम कहीं भी किसी भी चीज को हैक कर सकता है। आगे क्या प्लान है, क्या बड़ा सोच रहे हो तुम लोग? हमें आज ही पता चला है कि नन्हे मुजाहिद को अपग्रेड किया जा रहा है। इट विल बी इंडिपेंडेंट मिलिट्री थिंग। प्रलय सर्वनाशम देखियो, महाप्रलय, उससे कुछ नहीं छिपता। एक ऐसा प्रलय जो अच्छाई और बुराई की चमक को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा करना हो। तो बेसिकली इस मूवी में बहुत सारा भरपूर एक्शन है। ये पहले वाला बड़े मियां और छोटे मियां से बिल्कुल ही हटके है। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह को दिखाया गया है, टेररिस्ट अटैक, मिसाइल्स वगैरह, बहुत सारे एक्शंस दिखाए गए हैं। इसमें बड़े मियां का रोल अक्षय कुमार कर रहे हैं और छोटे मियां का रोल टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री कैसा रहता है देखना तो बनता है। और ये आई थिंक जीआई जो मूवी का बॉलीवुड वर्जन लग रहा है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह को दिखाया जाएगा, फ्यूचर एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में दिखाया जाए। मे बी इससे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है और अक्षय कुमार बहुत दिन के बाद एक्शन में लौट के आए हैं, तो देखना बनता है कि कैसा है मूवी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा, एक्शन बहुत ही भरपूर रहेगा। वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।